कल हम शाम में रिचार्ज किए हैं 1000 का, दुकान बंद करके गए हैं, सुबह आए हैं, लाइट नहीं है दुकान पे हमारे, क्या दुकानदारी करेंगे हम लोग। कल 500 रुपया डलवाए हैं, 10 बजे डलवाए हैं, 10 बजे निश्चित है कि कट गया, बच्चा से कम ट्यूशन छोड़ा दिया, सरकारी स्कूल में पढ़ता है पढ़ता है, कौन में पढ़ाई चलाते हैं, ना हम लोग कूलर चलाते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ एक पंखा नहीं चलता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को, मेरा नाम अभिषेक है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बिजली बिल को लेकर लोगों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा है, लगातार लोगों में गुस्सा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में जो बिजली बिल आ रहा है वो पहले से ज्यादा आ रहा है और कई बार तो माइनस में चला जा रहा है, जिसको लेकर लोगों को पेनल्टी भी भरनी पड़ रही है। इससे परेशान होकर लोग अब सड़कों पर उतरने लगे हैं, लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। क्या बिजली बिल की मांग क्या है आप लोग? अरे देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि जो बिजली विभाग की तरफ से स्मार्ट मीटर लगा है, स्मार्ट मीटर में बिल का कुछ, जैसे कि कोई भी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का अगर महीने का 1000 का बिल आ रहा है, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी घर का जो खपत 1000 है वो 3000 हो रही है। और बिहार सरकार, ये एक तरह के समझिए कि बिहार सरकार, आम जनता ऐसे भी GST गैस का महंगाई, देश में जो महंगाई चल रही है उससे परेशान है, और बिहार सरकार ये स्मार्ट मीटर लाकर जनता पर एक अलग तरह का काला कानून लाद रही है, जिस कारण जनता का त्राहिमाम हो गया हुआ है, पानी निकल चुका है। कल हम शाम में रिचार्ज किए हैं 1000 का, दुकान बंद करके गए हैं, सुबह आए हैं, लाइट नहीं है दुकान पे हमारे, क्या दुकानदारी करेंगे हम लोग, कैसे कमाएंगे हम लोग, सिर्फ कमा करके बिजली ऑफिस को भरे। ये सरकार स्मार्ट मीटर में पैसा कट रहा है सारे लोगों का पैसा, 4000 का कोई रिचार्ज करता है सारा माइनस में चला जाता है, पूरा पब्लिक परेशान है। स्मार्ट मीटर वापस होना चाहिए। कितने का पहले 500-550 का आता था, आज 2000 का रिचार्ज कर रहे हैं और 15 दिन चल रहा है। मैंने परसों रिचार्ज किया अपने मीटर में, आज रिचार्ज किया है और 1280 रुपए माइनस में दिखला रहा है। यहाँ पे आए पता करने के लिए तो ये बाबू साहब गेट बंद करके बैठे हुए, बोलते पटना जाके पता कीजिए, तो आदमी का सारा काम धंधा छोड़ के यही काम करेगा, दूसरा कोई काम नहीं करेगा। पहले 500-600 का बिल आता था, अभी महीना में 3000 का बिल आ रहा है, वो भी आदमी पड़ रहा है, उसके बाद भी माइनस में मीटर दिखला रहा है, आदमी क्या करेगा। मैं कल 2:05 पर 1000 रुपया डलाया हूँ, सुबह में जब उनका मीटर चेक किया हूँ तो 100 रुपया बतला रहा है, 900 रुपया मेरा कहाँ चला गया ये बताइए। एक दिन में नहीं घर में सर एक पंखा है, चेक इन अगर करना हो सरकार को तो मेरे घर पर भेजिए और चेक इन कीजिए, हम क्या चलाते हैं, एक पंखा चलाते हैं, एक टीवी है मेरे घर में, एक बूढ़ा एक बूढ़ी, बस मेरे घर में कोई नहीं है, और फ्रिज नहीं है, नहीं है कुछ। ये आप अपने चैनल पे दिखाइए, आप पे एफआईआर किया जाएगा, ठीक है, करने की जी जी आप बोला जाएगा कि एफआईआर किया जाएगा। जो 600-700 का जो मंथली बिल आता था पहले, अब जो है हम लोग का मंथली बिल 4000 हो गया है। आज इन्हें नौकरी छोड़ के धरना पर सब भाई, और क्या किया जाएगा, सब भूखे तो नहीं मरे ना। और आज मैसेज आया है, देखिए आज मैसेज आया है कि 7 दिन में 1455 रुपया और काट लिया जाएगा एक्स्ट्रा, क्यों? ये 2500 बिल आता था, अब 6000 रुपया, 6000 रुपया। देखिए हम लोग कल 500 रुपया डलवाए हैं, 10 बजे डलवाए हैं, 10 बजे निश्चित है कि कट गया, बच्चा से कम ट्यूशन छोड़ा दिया, सरकारी स्कूल में पढ़ता है पढ़ता है, कौन में पढ़ाई चलाते हैं, ना हम लोग कूलर चलाते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ एक पंखा नहीं चलता है। काफी आक्रोश है, लोगों का कहना है कि एक ही दिन में बिजली बिल कट जाता है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की मांग है कि मीटर भी हटाया जाए, तो कई सारी मांगे हैं लोगों की। तो भाई लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।